हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने लाल गाजरें ली हैं और इनको साफ कर लिया है और धो लिया है। तो आगे ये मैंने गाजरें ऐसे कर ली हैं। उसके बाद में हम ये इसमें मैंने देसी घी डाला है, ठीक है। देसी घी गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे ये गाजरें और साथ में इसमें ये है हरी इलायची, जिसमें से मैंने ये ऐसे अंदर से दाने निकाल करके ये पीस लिए हैं और अब मैं इसमें साथ ही डाल दूँ। इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम इसे आधे घंटे के लिए ढक देंगे और बीच में बार बार इसको चलाते रहेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए आधा पौना घंटा हो गया। मैंने पूरा का पूरा गाजर का हलवा जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, बिल्कुल भी आंच तेज नहीं थी। और आप देखेंगे तो जो गाजरों हैं उन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और गाजर ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके थोड़ा सा पकाएंगे। तो मैंने 2-3 मिनट तक गाजरें भून ली है और मेरे पास तो खोया नहीं था, तो मैंने इसलिए ये कंडेंसड मिल्क है मेरे पास। मैंने पूरा का पूरा एक डब्बा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें शुगर नहीं डाली है। और आप चाहें, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ये शुगर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो कुछ आगे अभी हम इसको भून रहे हैं क्योंकि अभी ये कंडेंस्ड मिल्क डाला है तो इसलिए इसका कलर थोड़ा वाइट है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर पहले की तरह रेड हो जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं साथ में काजू और कटे हुए बादाम। आपकी मर्जी है, आप और जितने मर्जी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद है। इसके बाद हमने इसमें मिक्स कर लिया है, हम ऊपर से भी गार्निश कर लेंगे। बस हम इसको और 5-10 मिनट रखेंगे जब तक कि गाजर का हलवा घी नहीं छोड़ देता, उसके बाद ये हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि मेरा जो मैंने हलवा बनाया है ये बिल्कुल रेडी है और इसका कलर बिल्कुल सेम वैसा का वैसा रेड आ गया है। अब हलवा रेडी है और इसको हम डालेंगे इसमें, और ये हलवा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ओके।